तो वही आज हमारे पास आ चुका है बोट के एयरडॉप्स 161। दोस्तों कई सारे लोगों के डाउट होते हैं कि अंडर 1000 रुपीज़ में ये हमको परचेज करना चाहिए कि नहीं परचेज करनी। तो दोस्तों हम यहाँ पे स्पेक्स से रिलेटेड सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं आपको। तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग वगैरह आप देख सकते हैं कि फ्रंट साइड आपको इस तरीके से मिल जाएगा। आपको यहाँ पे ASAP चार्ज और बाकी आप IWP यहाँ पे देख सकते हैं कि पेयरिंग टेक्नोलॉजी 13mm के दोस्तों आपको ड्राइवर्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी आप साइड में देख सकते हैं कि वन टच वॉइस असिस्टेंट, यानी कि दोस्तों अब यहाँ पे इसकी जो टच वाला कंट्रोल है उससे दोस्तों आप सीरी या फिर एलेक्सा वगैरह कुछ भी ओपन कर सकते हैं, ठीक, गूगल असिस्टेंट। एंड बैक पैनल पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें वो मिल जाएंगी जो दोस्तों सही होती हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ENX टेक्नोलॉजी जो कि गेमिंग में दोस्तों आपको मदद करता है। यहाँ पे टोटल बैकअप आप देख सकते हो कि आपको 40 घंटे का दिया हुआ है। एंड आप देख सकते हैं कि IPX5 वाटर रेजिस्टेंट प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। इंस्टेंट रिस्पॉन्स टच कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक। एंड बाकी हम यहाँ पे ब्रीफ में देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें, एक बढ़िया चीज़ लगी जो कि है यहाँ पे कि 5 मिनट = 90 मिनट। इसका मतलब है कि 5 मिनट अगर आप चार्ज करते हो तो यहाँ पे 90 मिनट का आपको दोस्तों यहाँ पे प्लेबैक टाइम मिलता है, ठीक, यानी कि लगभग 1.5 घंटे 5 मिनट के चार्जिंग के साथ यहाँ पे 1.5 घंटे का बैकअप आपको देखने के लिए मिलता है। एंड भाई यहाँ पे हम प्राइस की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये है लगभग 2490 रुपी। एंड यहाँ पे लगभग बहुत ज़्यादा दोस्तों प्राइस है इस पर। एंड ये मिला था, लास्ट में बताऊंगा वीडियो के कितने का मिला था। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नोट भी लिखा हुआ है कि आपको किस तरीके के चार्जर से इसको चार्ज करना चाहिए, ठीक। चलिए ये तो सारी चीज़ें हो गई। इसको दोस्तों मैंने फ्लिपकार्ट के थ्रू मंगाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका ये पैच लगा हुआ है। बाकी चलिए हम इसको यहाँ पर अनबॉक्स करते हैं भाई। इन द बॉक्स कुछ इस तरीके से, हमने एक बार ऑलरेडी इसको ओपन कर लिया हुआ है, बस एक बार और से आपको दिखाने के लिए भाई सारी चीज़ें उस तरीके से मैनेज करी हुई हमने जिस तरीके से ऑलरेडी इसमें थी, ठीक। तो ये रहा भाई विद केस आपका यहाँ पे दोस्तों एयरडॉप, ठीक। अभी इसको यहाँ से दोस्तों मैं ओपन करूँगा बाद में, पहले और भी चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं हम बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर है सारी चीज़ें। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको एक बॉक्स मिलता है, ठीक। इस बॉक्स में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाऊं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ज़रूर चेक कर लेना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टिप्स मिलती हैं एंड एक केबल दोस्तों मिलता है जो कि दोस्तों यहाँ पे चार्ज करने के लिए। तो वैसे दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, अगर आप टाइप सी अगर आपके फ़ोन में पोर्ट है तो आप दोस्तों उसी से चार्ज करिए, ठीक, अपने फ़ोन वाले चार्जर से, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर 5V 2A वाले दोस्तों स्टैंडर्ड चार्जर से दोस्तों इसको चार्ज करिए, ठीक। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे और सारी चीज़ों को दोस्तों निकालते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको FAQ यानी कि किस तरीके से आपको इसको यूज करना है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्लियरली लिखा हुआ है कि ईयरबड्स इशू एंड साउंड एंड कॉल इशू। तो यहाँ पे दोस्तों आप हर एक चीज़ को दोस्तों यहाँ पे अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं एंड आप अपने हिसाब से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। तो चार्जिंग केस के साथ दोस्तों क्या क्या चीज़ें इशू हो सकती हैं आप देख सकते हैं, पॉज करके पढ़ सकते हैं वीडियो को। एंड ईयरबड्स के साथ क्या क्या चीज़ें दोस्तों आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। एंड बाकी यहाँ पर हर एक चीज़ें दोस्तों यहाँ पर मेंशनड है, ओके। तो अभी के लिए यहाँ पे हम इसको साइड में करते हैं। एक और कार्ड है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है कि ये वारंटी वाला दोस्तों, हम इसको यहाँ पे QR स्कैन करके इसको यहाँ पे वारंटी ले सकते हैं। एंड ये कुछ इस तरीके का दोस्तों ग्रीटिंग कार्ड आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ स्टिकर्स अब देने लगा है दोस्तों बोट अपने हर एक प्रोडक्ट में, ठीक। तो इनको भी दोस्तों यहाँ पे साइड में करते हैं। यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स बोट अपने बनाता है तो यहाँ से सारी चीज़ दोस्तों मेंशन होती है, ठीक। एंड इसको हम यहाँ पे साइड में करते हैं। एक और लास्ट में हमें यहाँ पे मिलता है जो कि अब यहाँ पे हमें किस तरीके से कंट्रोल करना है, कैसे हमें दोस्तों कॉल वगैरह यहाँ पे रिसीव करनी है, बाकी यहाँ पे फर्स्ट टाइम अगर यूज करते हैं तो किस तरीके का दोस्तों यहाँ पे होता है। एंड पैकेज में दोस्तों आपको क्या क्या मिलता है आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्लियर दिख रहा है कि 1 पेयर आपको TWS मिल जाता है, ठीक, एंड 2 पेयर एक्स्ट्रा आपको ईयर मफ्स मिल जाते हैं, एक कैटलॉग, एक चार्जिंग केस, यूजर मैनुअल वारंटी, एंड उसके बाद आपको टाइप सी चार्जिंग केबल एंड एक FAQ कार्ड, ठीक। तो किस तरीके से दोस्तों हमें यहाँ पे सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। इधर की साइड आपको कैसे किस तरीके से वॉइस असिस्टेंट एंड बाकी सारी चीज़ों को दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल करना है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इन सारी चीज़ों को, ठीक। एंड बाकी यहाँ पे स्पेक्स के बारे में आप देख लीजिए कि यहाँ पे आपको ब्लूटूथ का वर्जन 5.1 देखने के लिए मिलता है एंड ट्रांसमिशन रेंज 10 मीटर का है।
एंड ड्राइवर के साथ दोस्तों काफ़ी बढ़िया है, इसमें बिग ड्राइवर आपको मिल जाते हैं, 10 mm के नहीं दोस्तों 13 mm के दोस्तों आपको यहाँ पर ड्राइवर दोनों में देखने के लिए मिलते हैं। बाकी ब्लूटूथ की प्रोफाइल आप देख सकते हैं यहाँ पर, फ्रिक्वेंसी रेंज बैटरी आपको 300 mAh की केस में देखने के लिए मिलती है एंड 40 mAh की दोस्तों 40 mAh की आपको ईयरबड्स में देखने के लिए मिलती है एंड चार्जिंग टाइम आप देख सकते हैं कि 35 मिनट आपका ईयरबड्स एंड 1.5 आवर आपको किस करना है। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे IPX5 है और टाइप सी चार्जिंग को यह सपोर्ट करता है। ठीक, और वार्निंग में दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं आप उनको दोस्तों यहाँ पे सब कुछ वो कर लीजिएगा। ठीक, फाइनली चलिए अब हम यहाँ से अपने प्यारे से दोस्तों एयरडॉप यानी कि TWS की दोस्तों रीओपनिंग करते हैं। ठीक, क्योंकि हमने इसको एक बार ओपन कर लिया था एंड दोस्तों जब आप पहली बार इसको दोस्तों यहाँ पे इससे निकालेंगे इस वाले पॉलीथीन से तो यहाँ पे एक और दोस्तों पॉलीथीन का यहाँ पे आपको कवर देखने के लिए मिलेगा। ठीक, तो यहाँ से चलिए अब हम इसको ओपन करते हैं। तो ये था दोस्तों इसका केस। ठीक, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसकी पकड़ इस तरीके से है भाई। ठीक, आराम से ओपन हो जाता है। ठीक, ज़्यादा कोई टाइट वगैरह नहीं है इसमें एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों हमारे बड्स हैं अंदर। तो चलिए भाई इसमें से निकालते हैं हम इनको। तो ये भाई आराम से निकल जाते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें आपको केवल लेफ़्ट साइड वाले बड्स में ही आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा पेयरिंग वाला इंडिकेशन एंड आप देख सकते हैं कि ये अभी बिल्कुल शांत सा है, इसमें कोई भी दोस्तों यहाँ पर इंडिकेशन वगैरह नहीं है। ठीक, साइड में दोस्तों आपको यहाँ पे बोट का दोस्तों यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है। आपको यहाँ पे एक सेकंड के लिए दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बोट की ब्रांडिंग मिल जाती है। बाकी आपको ये पहले से ही दोस्तों ये ईयर मफ जो मीडियम साइड का लगाया हुआ मिल जाता है। बाकी इधर भी दोस्तों आपको बोट की ब्रांडिंग मिल जाती है एंड कुछ इस तरीके का दोस्तों कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है इसका, यूनिक एंड लाइट वेट है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ये। सो इन द बॉक्स दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। इतनी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, कितनी सारी चीज़ें दोस्तों छोटे से बॉक्स में यहाँ पे इन्होंने पैक करके दिया हुआ है किस तरीके से दोस्तों। एंड आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने अनबॉक्सिंग करी हुई है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे कि किस तरीके से दोस्तों यहाँ पे इसको पेयर करना है एंड इसका फाइनल रिव्यू क्या होता है मेरी तरफ से। बाकी मैं यहाँ पे आपको मेरा ओपिनियन है कि आपको परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर प्राइस की बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्क्रीन शॉट में क्लियरली मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे कॉमेंट नहीं करेगा कि कितनी प्राइस है कितने का लिया। आप देख सकते हैं आराम से यहाँ पर दोस्तों 899 यानी कि दोस्तों लगभग 900 रुपये का दोस्तों ये मिला था। दोस्तों इस प्राइस रेंज के हिसाब से मैं कहूँगा कि आपको ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिल जाएंगे। ठीक, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट हैं और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों यहाँ पे आपको 13 mm के ड्राइवर्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, IPX5 की रेटिंग यानी कि दोस्तों यहाँ पे जितनी भी दोस्तों यहाँ पे IPX5 IP68 की रेटिंग दोस्तों जिन भी प्रोडक्ट्स में आपको टेक्निकल प्रोडक्ट में देखने के लिए मिलती है तो दोस्तों वहाँ पर आपको हाई रेजिस्टेंसी देखने के लिए मिलती है वाटर हो चाहे डस्ट हो। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे IPX5 रेटिंग के साथ ये आता है। ठीक, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी दोस्तों। अब बाकी हम यहाँ पे दोस्तों अभी तो ये अभी आया हुआ है, बाकी हम यहाँ पे दोस्तों एक नई वीडियो लाएंगे जहाँ पे दोस्तों हम इसकी सारी चीज़ें टेस्ट करेंगे। ठीक, वहाँ पे हम यहाँ पे दोस्तों इसकी पेयरिंग टेस्ट, इसके दोस्तों बैकअप के बारे में सब कुछ चीज़ें बताएँगे। ठीक, तो अब दोस्तों आप परचेज कर सकते हैं इसको अगर ये दोस्तों सेल वगैरह में ठीक ठाक प्राइस में मिल जाता है, अंडर 1000 रुपये में अगर देखने के लिए मिलता है तो आप दोस्तों इसको आराम से परचेज कर सकते हैं। ठीक, इस चैनल पे दोस्तों टेक से रिलेटेड वीडियोस लाइक अनबॉक्सिंग रिव्यू होगा ये सब आते रहते हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।